हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम देख रहे थे, इससे पहली वीडियो के अंदर हमने देखा है प्रोजेक्ट 1, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। एक ब्रांड न्यू सीरीज है गाइस, जिसके अंदर मैं आपको जावास्क्रिप्ट के जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कैसे आपको फेस करना है, मॉक इंटरव्यू कैसे निकालना है आपको, मैं उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ गाइस। तो इस सीरीज को आपको कंटिन्यूसली देखना है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गई है तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड गाइस, इससे पहले मैंने आपकी बेसिक जावास्क्रिप्ट की सीरीज कंप्लीट करी है, एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज कंप्लीट करी है और ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करी है आपकी रिएक्ट जेएस की। ओके, तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे हम कि आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है क्या, बेसिकली कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा बिगिनिंग लेवल पे। इट मीन्स कि जब आप फ्रेशर होते हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब कभी भी आपको 1 ईयर या 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ क्वेश्चन। तो सपोज आपसे मॉक इंटरव्यू के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर किसी ने क्वेश्चन करा आपसे, डिस्क्राइब क्लोजर कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट एज बेस्ट एज यू कुड। ओके, आपके अपने अकॉर्डिंग जो क्लोजर आपका कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलता है हमें ES6 के अंदर, उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहां पे आपको इंटरव्यूअर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सेकंड वो आपसे पूछेगा हाउ टू यूज क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। तो दोनों ही केस में आपको आंसर करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल करके। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्लोजर है क्या, पहले कि आप क्लोजर के लिए आंसर कैसे करेंगे उसे। तो यहां पे मैंने रखा है क्लोजर का छोटा सा नोट जो कि आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। A closure is the combination of function blended together, unclosed, with references to its surrounding state. Okay? तो यहाँ पे जो इसका environment निकल के आता है, the lexical environment. Okay? Lexical environment क्या है वो अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। In other words, a closure gives you access to outer functions scope from inner function. It means कि आपके पास में एक function है, okay? और उसके आपने अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल फंक्शंस बना रखे हैं, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं क्लोजर के थ्रू। ओके, कैसे वो तो देखेंगे अभी जब प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। इसके अंदर सेकंड क्या निकल के आता है, इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स आर क्रिएट एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड एट फंक्शन क्रिएशन टाइम। ओके, इट मींस कि जब कभी भी आपका क्लोजर रन होगा, जब कभी भी आप एक एग्जांपल क्लोजर का बनाएंगे और उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फंक्शंस, कॉल बैक फंक्शन होंगे आपके पास, तो वो एवरी टाइम वहां पे फंक्शन क्रिएट करेगा जब भी उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ओके, ये आप यहाँ पे इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। और इसमें की पॉइंट क्या है आपका इंटरव्यूअर को बताने का, द लेक्सिकल एनवायरमेंट। ओके, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं ये लेक्सिकल एनवायरमेंट है क्या, व्हाट इज अ लेक्सिकल एनवायरमेंट। ओके, इसके लिए भी मैंने यहां पे रखा है पॉइंट, अ लेक्सिकल एनवायरमेंट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स आइडेंटिफायर वेरिएबल्स मैपिंग। इट मींस कि वो क्या करता है, जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स मिलते हैं उसे वो वहां पे उसे मैप करने का काम करता है। हियर आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। वहां पे जितने भी आपके फंक्शंस प्लस वेरिएबल्स होंगे वो उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। एंड द वेरिएबल इन द रेफरेंस टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फंक्शन, ऑब्जेक्ट और पैरामीट्रिक वैल्यू। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक और एडवांस में पढ़ा रखी है। तो सेम क्लोजर भी आपका कैसे काम करता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाता है की वैल्यू के पेयर में, ओके, और वो उसी को फिर रिटर्न करता है आपको। कैसे करता है वो तो देखेंगे अभी। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट इसका, इसी के अंदर और क्या मिलता है, लेक्सिकल इन अ जनरल मीनिंग्स इन हायरार्की और इन अ सीक्वेंस व्हेनेवर अ न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ईसी, इट मींस कि ईसी है इसका शॉर्ट फॉर्म, इज क्रिएटेड अ न्यू लेगेसी एनवायरमेंट इज क्रिएटेड एंड इट्स रेफरेंस्ड इन लोकल ईसी इन मेमोरी स्पेस। इट मींस कि जब कभी भी हमारा एक न्यू एग्जीक्यूशन होता है क्लोजर को यूज करने के अंदर, आपने वेरिएबल यूज करा या फंक्शन यूज करा उसके अंदर से, तो अपना वो लोकल स्पेस यूज करता है वहां पे। ओके, अब इसके बाद में इसका कैसे आप बताएंगे कैसे कि शॉर्ट फॉर्म है क्या, तो लेक्सिकल एनवायरमेंट को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, लोकल मेमोरी प्लस आपका लेक्सिकल एनवायरमेंट ऑफ इट्स पेरेंट। ओके, तो ये दोनों चीजें मिलके बनता है आपका पेरेंट का आपका क्लोजर। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्ट फॉर्म में आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, शो इन अ शॉर्ट, अ लेक्सिकल एनवायरनमेंट इज अ प्लेस वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस लाइव और फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये है आपका पूरा मीनिंग कि किस तरीके से आप लेक्सिकल एनवायरनमेंट को यूज करते हैं और क्लोजर किस तरीके से इसको यूज करके आपको आउटपुट रिटर्न करता है। तो ये है आपका थ्योरी का पार्ट जो कि आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। अब आपको वो बोलेंगे कि एग्जाम्पल करके दिखाएं लाइव, तो कैसे करना है आपको एग्जाम्पल। तो चलिए यहां चलते हैं सबसे पहले एडिटर पे और आपको दो एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना है उनको। ओके, सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है closerjs.html। यहाँ पे एग्जाम्पल करने वाले हैं हम। यहाँ पे H1 रखा है, जस्ट मैंने इसके अंदर closerjs इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर रखा है एंड एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, उससे पहले ब्राउजर पे आप देखेंगे आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंसोल के अंदर। ओके, एंड ये है कोड फॉर एजुकेशन का ये पेज आपका यूट्यूब का। ओके, आप इसके ऊपर जाएंगे तो जितने भी नए यूजर हैं सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें कि जिससे कि आपको इस इंटरव्यू से सीरीज से रिलेटेड आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट जस्ट खत्म करी है मैंने अभी। आपकी पोर्टफोलियो, जावास्क्रिप्ट के आपके प्रोजेक्ट एंड ट्यूटोरियल दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल हैं एंड प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी सीरीज हैं यहाँ पे आपके कोड फॉर एजुकेशन के ऊपर। आप जाके इन सबको फॉलो कर सकते हैं और मैं गारंटी लेता हूं गाइज, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। ओके, अब चलते हैं बढ़ते हैं यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल की तरफ कि किस तरीके से आपको आंसर करना है इन चीजों को। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं आपको वही आउटर और इनर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग इस चीज को समझाता हूँ कि सपोज मेरे पास में एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे रख लिया, उसका नाम मैं रख लेता हूँ आपका आउटर वेरिएबल, ठीक है, ये मैंने रख लिया। यहाँ पे मैं यहाँ रख लेता हूँ हेलो, जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना होता है ना, तो इस तरह का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर को बताना है कि आपको उसका आइडिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ, मैं एक इनर फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पहला एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको गाइस, इसके बाद सेकंड भी दूंगा आपको मैं किस तरीके से आपको बताना है और डिटेल में कैसे जाएंगे आप। वेरिएबल लूंगा मैं यहाँ पे, इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो मैंने किस में स्टोर करा, हेलो मैंने आउटर के वेरिएबल में स्टोर करा जो इनसाइड है उसके, और इनर के जो फंक्शन है उसके इनसाइड में मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट करा, उसमें मैंने वर्ल्ड को यहाँ पे रखा जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ और मैं यहाँ पे आउटर वेरिएबल प्लस स्पेस के साइन के साथ में प्लस इनर वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब आपको रिटर्न किस में करवाना होगा, ठीक है, रिटर्न कैसे होगा आपका, रिटर्न आपका इनर फंक्शन ही होगा हमेशा। जब कभी भी आपका आउटर फंक्शन कॉल करेंगे हम तो आपको रिटर्न मिलना चाहिए आपका ये फंक्शन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न यहां पे इनर फंक्शन कॉल करेंगे, दैट्स इट, ये देखिए इनर फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा और जो भी इनर फंक्शन के अंदर आप रखेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब इसको कॉल कैसे करवाना है आपको, तो आपको यहां पर लेना होगा एक और, सपोज मैं यहां पर कॉन्स्ट ले लेता हूं, कॉन्स्ट में मैं यहां पर ले लेता हूं क्लोजर, ठीक है, मैं क्लोजर का ही नाम रख ले रहा हूं और जो हमारा आउटर फंक्शन है उसको रखता हूं मैं, देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आप यहां पे इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे ना, क्योंकि ये अब हमारा क्या होगा, क्लोजर एक फंक्शन बन गया है, ठीक है, क्योंकि हमने आउटर फंक्शन को क्लोजर के अंदर रखा है और यहाँ पे पैरासिंथेसिस रखे हैं, इट मींस कि वो फंक्शन है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजर को रखेंगे, ये है मेरा क्लोजर, देखिए मानिए, और मैं इसमें पैरासिंथेसिस लगा दूं तो ये मेरा एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा। मैं यहाँ करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट, क्योंकि हमने क्या करा, एक नॉर्मल फंक्शन लिया, ये मैं एरो फंक्शन में भी रख सकता था बट मैं इसके नॉर्मल इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी समझ में आए कि कैसे बेसिक में कैसे करते हैं, और ES6 में तो आपको मैंने ऑलरेडी एडवांस में अंदर सिखा रखा है। आप इस नॉर्मल फंक्शन को लेंगे, आपको एक वेरिएबल दे देना है, ठीक है, डेमो के लिए रख लेंगे आप, एक फंक्शन क्रिएट करना है आपको जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इनर फंक्शन रखा, यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया, दोनों को कुछ नहीं करना, बस आपको कॉन्केनेट कर देना है सिंपल। या तो आपको एडवांस के अंदर करना है तो टेम्पलेट स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था एडवांस के अंदर, ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पे बाहर निकल जाना है अपने फंक्शन से, आपको एक और यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करना है, उसके अंदर आपको आउटर फंक्शन को कॉल कराना है और सिंपल आपका ये फंक्शन वर्क करेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ग्लोबल के लिए, इट मीन्स कि आपका आउटर है, ये आउटर के अंदर हमने फंक्शन लिया, वेरिएबल लिया, उसको एक्सेस है, ठीक है, क्लोजर को यहाँ पे एक्सेस है किसका, अपने यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन के वेरिएबल का भी। दैट्स वाई वो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा पा रहा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूं कि किस तरीके से आपको बताना है अब आपके इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे के लिए। क्रिएट सपोज काउंटर बना लेते हैं हम एक, मैं यहाँ पे एक फंक्शन नाम रखता हूँ और मैं यहाँ पे काउंटर का आपका इनिशियल वैल्यू रख देता हूँ 0। ठीक है, 0 से ही स्टार्ट होगा हमेशा। अब मैं रिटर्न लूंगा, रिटर्न में हमें यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं कर्ली ब्रेसेस के साथ में। अब जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारे पास में एक की और वैल्यू का पेयर होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका इंक्रीमेंट करके एक की हो गई हमारी जिसमें फंक्शन हो गया विदाउट नेम। ठीक है, ये सब पढ़ा रखा है मैंने। ओके, एंड यहाँ पे उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट का, ये देखिए दैट्स इट। कॉमा लगाएंगे, सेकंड की होगी हमारी यहाँ पे गेट काउंट, इस पे हम क्या करेंगे फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस, एंड रिटर्न यहाँ से क्या करवा देंगे आप, यहाँ पे रिटर्न होगा आपका काउंट, जो भी आपका काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले यहाँ पे यहाँ इंक्रीमेंट होगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ मिलेगा। बट अगर आप डायरेक्ट इसे एक्सेस करेंगे तो इनिशियल वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी 0। कैसे वो देखते हैं अभी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बाहर आ जाना है, जो आपका ये फंक्शन है इस फंक्शन के बाहर आना है आपको। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर करूंगा, काउंटर लूंगा इज इक्वल टू क्रिएट काउंटर के फंक्शन को यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा आपका काउंटर के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर कंसोल लगा दूं अभी, ये देखें कुछ इस तरीके से काउंटर डॉट, अब मेरे पास में ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है वो अभी। ठीक है, ओके, अगर मैं इतनी ही चीज अगर प्रिंट करवा के आपको दिखाऊं, यहां करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां देखेंगे तो देखिए मेरे पास में दो फंक्शंस मिल रहे हैं मेरे को। एफ का मतलब यहां पे फंक्शन है कंसोल के अंदर, देखिए तो गेट काउंट हमें मिल रहा है, इंक्रीमेंट हमें मिल रहा है, यहां पे दोनों हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इंक्रीमेंट में अगर मैं इंक्रीमेंट को यहां पर एक्सेस करूंगा तो मेरे को क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, अगर मानिए मैं यहां पर डॉट इंक्रीमेंट को कर लूं और यहां पे मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, करूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे अनडिफाइंड आ रहा है मेरे पास में आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें हर बार रिजल्ट तो रिटर्न यही करेगा गेट काउंट। ओके, तो यहां पे हमें क्या करना होगा, गेट काउंट को रखना होगा। ठीक है, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके 0 वैल्यू मिल रही है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमेशा हमें 0 ही देखने को मिलेगी यहां पे, क्योंकि अभी हमने ये फंक्शन कॉल ही नहीं करवाया। इसको भी कॉल करवाना बहुत जरूरी है, तभी जाके इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद में वो रिटर्न करवाएगा हमें एक्चुअल काउंट, जो उसको मिलेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद में मानिए मेरे पास में काउंटर है। ठीक है, अब उसके बाद में इंक्रीमेंट मेरे को मिलता है, वो भी एक फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट और पैरासिंथिस लगा रहा हूं क्योंकि वो फंक्शन है। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे कंसोल प्रिंट करवाऊं तो अब क्या एक्चुअल में वैल्यू देखने को मिलेगी मेरे को, यहाँ पे काउंटर डॉट गेट काउंट। ठीक है, अब मेरी यहां पे वैल्यू मिलनी चाहिए मेरे को 1, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे 0 से 1 हो चुका है अब मेरा। अगर आप जितनी भी टाइम्स अगर इसको प्रिंट करवाएंगे, आप मानिए इन दोनों चीजों को प्रिंट करवाना होगा जितनी भी वैल्यू, या तो आप लूप भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको कैसे एग्जाम्पल बताना है, उन्हें करके दिखाना है। करेंगे सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद देखेंगे आपके 2 आ रहा है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे इसको बार बार कॉल करवाने की जरूरत पड़ रही है, अगर मैं इसको बंद कर दूं करूं सेव तो आपको देखिए इंक्रीमेंट मिलेगा ही नहीं देखने को। ये क्या कर रहा है, बार बार कॉल कराने से हमें क्या मिलता है, इंक्रीमेंट हो रहा है वो। पहले इंक्रीमेंट होने के बाद में जैसे ही हम उसको बोलते हैं गेट काउंट अब रिजल्ट प्रिंट करवाओ, तो वो एक बढ़ी हुई वैल्यू हमें देता है क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस कर रखा है, प्लस प्लस का साइन। तो ये है आपका क्लोजर का एक और मेथड गाइस, जो कि आप इंटरव्यू के टाइम पे बता सकते हैं। इससे पहले वाला बेसिक जिसमें हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करके दिखाया आपको, इस वाले में आप यहाँ पे काउंटर इट मींस की इंक्रीमेंट करती हुई वैल्यू दिखा सकते हैं इंटरव्यूअर को। इन दोनों एग्जाम्पल के बाद डेफिनेटली मैं आपको कहता हूं कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा आपसे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो गाइस तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, और आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर उनको कवर कर सकूं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।